नमस्कार दोस्तों, और मैं अभी आया हूँ डैम पर। और ये मुंडला डैम के नाम से है, और मुंडला डैम है। यहाँ पे कितने गेट है लगभग? छोटे ही गेट है और 6 गेट है इसमें कुल। और मेरे पीछे देखिएगा, ये दोस्तों ये मशीन है, गेट को आगे पीछे करने वाली मशीन है। और ये देखिए मेरे पीछे नज़ारा देखो आप ये, और ये यहाँ पर नीचे ये जो मशीन है इसको चलाने के लिए, जैसे ट्रेन होती है ना, ऐसे एक पटरी बिछी हुई है, इस पटरी पे ही ये मशीन चलती है। और जो वाला भी गेट खोलना है वो गेट इससे मशीन से खोल देते हैं। इसमें कुल 6 गेट है कि आपको मैंने बताया था, इसमें 6 गेट है। और ये ज़्यादा बड़ा डैम भी नहीं है, इसको 2 सोर्सों के लिए बनाया गया है। पहला तो ये है कि इसमें मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। यहाँ पे मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है, और पीछे वहाँ पर मछुआरे मछली मार रहे हैं। और उसके बाद में सिंचाई तो होती है, चाहे किसी पर्पज़ से बनाया जाए उस डैम को, तो यहाँ सिंचाई भी होती है। और यहाँ ज़मीन भी भूमि अधिग्रहण में हुआ है, तो जिन लोगों की ज़मीन डूब चुकी थी अब वो वापस निकलने लगी है, और उन्हें फसल बो दी है। और बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा, ये इस डैम के ऊपर एक सड़क भी निकाल दी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा काम किया है। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये जो डैम बना है, ये डैम अजनार नदी के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों अजनार नदी ब्यावरा के पास से निकलती है, और ये नदी घोड़ापाचार नदी है। मैंने एक उसका भी एक ब्लॉग बनाया है, घोड़ापाचार नदी का भी, तो आप उसको जाके देखिएगा। और घोड़ापाचार नदी में ये नदी मिल जाती है, इसके बाद में ये नदी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये नदी घोड़ापाचार में राजस्थान में जाके मिलती है। और दोस्तों मेरे पीछे देखिएगा आप, ये जो गेट है आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाता है। जब कभी डैम पर पानी का खतरा ज़्यादा हो जाता है, तब इस गेट को बंद कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से जो सड़क है इसको उपयोग ना कर पाए आने जाने वाले लोग, तो इसलिए इस गेट का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये गेट खुला ही रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं वहाँ ऊपर था, मैं नीचे आ चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अब यहाँ से हम जंप करेंगे। ये देखिए ये रेलिंग है यहाँ की, और हम इधर चलेंगे। अभी ये दीवार है इसकी, और यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है ताकि कोई व्यक्ति इधर गिर ना जाए, इसलिए यहाँ रेलिंग लगा दी है। और हम आगे चल रहे हैं यहाँ पर। ये तालाब, ये दोस्त थे, ये भी व्लॉग बना रहे हैं मेरे पीछे। ये देखिए ये गेट है, तो
इस गेट को वहाँ ऊपर बने हुए डिब्बे हैं जो उनसे कंट्रोल किया जाता है। या इसमें यहाँ पर मैंने जितना था वो देख लिया है और जितना हो सका आपको बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, वो घंटा भी ज़रूर दबाना।